तो भाई साहब आदि पुरुष का एक नया सॉन्ग आज टी सीरीज पे रिलीज कर दिया गया है एंड इसका नाम है राम सिया राम। एंड ऑब्वियसली इस सॉन्ग को तुमने ऑलरेडी सुन रखा होगा क्योंकि ये एक रीमेक सॉन्ग है। हालांकि जिन क्रिएटर्स ने इस म्यूजिक को पहले बनाया था उन्हीं क्रिएटर्स को वापस से बुलाया गया है इसी म्यूजिक को रिक्रिएट करने के लिए। एंड जो प्रोडक्ट रिक्रिएट करने के बाद निकलता है वो कहीं से भी डिसअपॉइंटिंग नहीं है। अब देखो आदि पुरुष मूवी की सबसे ब्रिलियंट और एकदम अच्छी सी चीज जो मुझे लगी, जो मैं सबसे ऊपर रखना चाहूंगा, वो है इस पूरी मूवी का म्यूजिक। इससे पहले अजय अतुल भैया का जो श्री राम वाला म्यूजिक आया था वो भी बहुत तगड़ा था एंड उसके बाद अब ये राम सिया राम वाला म्यूजिक बहुत सही है। मतलब लूप पे मैंने इसे 3-4 बार सुना और कसम से भाई ये काम अपना कर देता है क्योंकि हिट करते हैं इसके लिरिक्स एंड इस म्यूजिक के साथ जो विजुअल्स दिखाए गए अपने को वो काफी शानदार है। मतलब हाँ मुझे पता है कि मूवी के VFX कैसे हैं एंड कुछ सीन्स में वो अपने को प्रोमिनेंटली दिख जाते हैं और वो वीडियो का फील बेकार कर देते हैं, लेकिन अगर आप उनको इग्नोर कर दो और इन कुछ ब्यूटीफुल शॉट्स को देखो तो आपको पता चलेगा कि भाई एक्चुअली में ये म्यूजिक वीडियो काफी शानदार है। मतलब जैसा कि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में कहा है कि ओम राउत भैया ने इस मूवी को विजुअल स्पेक्टिकल दिखाना चाहा था बट उनका VFX उस लेवल को मैच नहीं कर पाया, लेकिन उनका जो विजन है ना वो कहीं कहीं पर दिख जाता है। जैसे तुम ये वाला शॉट देख सकते हो, देखने में बहुत नेचुरल और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड इसके अलावा ये जो सनफ्लावर का खेत वाला पूरा शॉट है ये सीक्वेंस भी बहुत शानदार लग रहा है। एंड उसके अलावा जब ये म्यूजिक वीडियो स्टार्ट होता है तो अपने को नाव के ऊपर का एक सीन दिखाया जाता है जहां पे अपने प्रभास और कृति सेनन का कैरेक्टर बैठे हुए हैं। अब एक्चुअली में ये शॉट जब अपने ट्रेलर में देखा था तो बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि कंपोजिटिंग बहुत फेक है, लेकिन इस सीन के अंदर वो चीज बिल्कुल भी फील नहीं होती। एंड जब सबसे पहले बार मैंने ये म्यूजिक वीडियो देखा तो मैंने सबसे पहले यही नोटिस किया कि भाई ट्रेलर के अंदर जब ये सीन अपन ने देखा था ना तो बहुत फेक लग रहा था और आर्टिफिशियल सा लग रहा था, कंपोजिशन सही से नहीं हुई थी, लेकिन म्यूजिक वीडियो के अंदर ये कंपोजिशन बहुत सही से लग रही है एंड नेचुरल लगता है। अब हाँ तुम अगर घूर के देखो और अच्छे से गलतियां निकालने बैठोगे, जो कि एक तरह से नेटपिकिंग कहलाई जाती है, तो वो करने बैठोगे तो शायद तुम्हें गलतियां मिल जाए, बट इवेंचुअली एज अ नॉर्मल ऑडियंस देखने में बहुत सही लगता है। एंड स्टार्टिंग में जो डायलॉग होता है ना अपने दोनों मेन कैरेक्टर्स के बीच कन्वर्सेशन के अंदर, वो डायलॉग बहुत शानदार है, मतलब दिल को छू जाता है स्टार्टिंग में ही। एंड इसके अलावा म्यूजिक की तो मैं बात पहले ही कर चुका हूँ कि लिरिक्स को बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, बहुत ही सूदिंग और रिलैक्सिंग सा सॉन्ग फील होता है। मतलब तुम एक लूप पे चला दो म्यूजिक और आदमी ये म्यूजिक पूरा दिन सुनता रहेगा। बाय द वे आज मैं जिम जाके यही गाना बजाने वाला हूँ जिम के स्पीकर्स में। अब इससे पहले जो मैंने आदि पुरुष यानी कि प्रभास के ऊपर वीडियो बनाई थी उसके अंदर अपने को कुछ ब्रेनलेस अंधभक्त देखने को मिल गए थे जो कि मुझे प्रभास का हेटर बोल रहे थे। अब अगर तुम मुझे अच्छे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं इंडियन सिनेमा स्पेशली साउथ सिनेमा को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। RRR को मैंने सेलिब्रेट किया, KGF चैप्टर 2 मैंने 3 बार थिएटर्स में देखी थी। इन सब के अलावा बाहुबली मूवी को भी बहुत बार अप्रिशिएट कर चुका हूँ अपने नॉर्मल वीडियोस के अंदर जहाँ मैंने उन मूवीज से रेफरेंस लिया था, लेकिन इन सो कॉल्ड चूतियों को बस एक वीडियो देख के जज करना था मुझे। खैर मुझे उसका दुख नहीं है, लेकिन वीडियो के अंदर मैंने कुछ गलत बोला भी नहीं था, बस वीडियो के अंदर मैंने ये कहा था कि जिन लोगों ने मूवी को एडिट किया है, उसका VFX बनाया है, उन लोगों ने कितना गंदा काम किया है, क्योंकि प्रभास का नेचुरल लुक कितना शानदार दिख रहा था, उसको जब तुमने VFX से इम्प्रूव किया, एनहांस करने की कोशिश की, तो प्रोडक्ट कितना गंदा निकल के आया। मैं यहाँ पे प्रभास को कुछ नहीं बोल रहा था, मैं बस प्रोडक्शन कंपनी और उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुए क्रिएटर्स को कह रहा था कि भाई तुम नेचुरल रखते तो प्रभास का फेस ज्यादा सही लगता, आर्टिफिशियल बनाने पर एनहांस करने पर क्या रिजल्ट आया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब हो सकता है कि कुछ अंधभक्त इसे भी सपोर्ट करे, बट मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल फैन इसे क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर तुम किसी के फैन हो तो तुम इसे हर चीज में सपोर्ट करो, हो सकता है वो गलत भी हो। एनीवेज अगर तुम एक अच्छे फैन हो और सच्चे फैन हो तो तुम्हें टाइम टाइम पर उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर वो अच्छा काम करता है तो, और अगर वो कुछ गलत काम करता है, कुछ गलत टेक्स लेता है अपनी मूवीज या फिर किसी भी चीज में, तो तुम्हें उसे क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। मैं बस क्रिटिसाइज करता हूँ जो गलत होता है और जो अच्छा काम करता है मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आदि पुरुष अपने बजट को रिकवर कर ले एंड होप करते हैं कि म्यूजिक के अलावा आदि पुरुष के अंदर हमको और भी कुछ अच्छी चीजें देखने को मिले। तो खैर आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर इंडियन सिनेमा से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। इन सब के अलावा अगर तुम प्रभास की अपकमिंग मूवी प्रोजेक्ट के को लेके एक्साइटेड हो तो मैं तुम्हें अपनी ये वीडियो रिकमेंड करूंगा, ये जाके देख लेना, इस वीडियो के अंदर मैंने प्रोजेक्ट के से रिलेटेड सारी डिटेल्स बताई हैं। खैर मेरा नाम है अविनाश और मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।